सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। तो आज मेरा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं, विंटर में बहुत ज्यादा अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ कनेक्ट रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ी रहूं और आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाती रहूं। के लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आई हूँ जो कि है आपकी स्किन से रिलेटेड। मौसम चेंज होता जा रहा है और आपकी स्किन होती जा रही है डल और ड्राई, ये तो हकीकत है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता जा रहा है तो आपकी स्किन तो होती जाएगी खराब। आपको चाहिए उसकी बहुत ज्यादा केयर, क्योंकि विंटर में ज्यादा केयर होती है। आपकी स्किन इतनी खराब हो रही होती है, आपकी स्किन इतनी डैमेज हो रही होती है, ऊपर से स्किन छिल रही होती है, उतर रही होती है, आपके होंठ खराब हो रहे होते हैं, आपकी आईज में मसला हो रहा होता है, आपकी नोज अजीब सी लग रही होती है, आपकी डिस्कलरेशन आ रही होती है फेस पे। तो आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, कौन से लोशन यूज करने चाहिए, इसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए ताकि मैं आपको बताती जाऊँ कि आपके लिए कौन सी स्किन पे क्रीम या लोशन बेहतर है। आप सुबह सवेरे जब उठते हैं आपको अपनी स्किन का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपकी स्किन किस तरह की है। आपकी स्किन ड्राई है, बहुत रूखी हो रही है, खिंच रही है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। आप अपने नोज़ पे टिश्यू पेपर रख के देखें, आपको फील होगा कि वो चिकना हो रहा है। या आप अपने हाथ टैप करके देखें, आपके हाथों पर उंगली पर अगर चिकनाई आती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपकी स्किन सिर्फ यहाँ से ऑयली लग रही है और यहाँ से आपको फील हो रहा है कि आपको खिंचाव हो रहा है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन हल्की हल्की से कोई चीज़ लगाने के बाद खिंचती है, जलन महसूस करती है, मिर्चें लगती हैं, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो हर एक के लिए अलग अलग लोशन आते हैं, अलग अलग क्रीम्स आती हैं। आपको खुद मार्केट में जाके देखना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है कि आपके स्किन पे क्या सूट करेगा। ऐसे ही कोई टेलर देख लिया, कोई बात आप उठा के ले आएंगे कोई क्रीम या लोशन और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और वो आपको सूट नहीं किया तो आपके पैसे ज़ाया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्किन के लिए उनके हिसाब से कोई क्रीम या लोशन लेना चाहिए। और विंटर में ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, आपको कौन सा लोशन लगा। टीवी पे एड्स देखते हैं और एड्स देखने के बाद आप उल्टी सीधी क्रीम्स लेके आ जाते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स चली हुई हैं, वो आपको विंटर में कोई फ़ायदा नहीं देती। हाँ, अगर ऑर्गेनिक हैं, अगर उनमें केमिकल नहीं है तो कुछ फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट शाइन, ये चीज़ नामुमकिन है। आपको जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो स्लो स्लो फ़ायदा पहुंचाती है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत और प्यारा तो बनाया ही है, लेकिन आपको अपने आप को सही रखना है, अपनी केयर करनी है, तभी आप अच्छे लगेंगे और प्यारे लगेंगे जी। तो मैं अपने पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, अपने पास जो मेरी क्रीम्स हैं साथी, वो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है और आपको किस तरह की। तो दोस्तों ये वो क्रीम है जो हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी और ये लोग यूज़ करते हैं। खैर, दादा दादी ने तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ की, ये लोग तो ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो नेचुरल होती हैं, जैसे कि देसी घी ले लिया, मक्खन ले लिया, इस तरह की चीज़ें ही अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं और वो बेस्ट होती हैं। लेकिन चूंकि अब वो वक्त, वो ज़माना नहीं रहा और ये चीज़ें आ गई हैं, तो इसकी वजह से लोगों के पास टाइम भी नहीं रहा है, तो वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू हो गए। सेवन डे क्रीम जो है हर वक्त हर दौर में चलती रही है और हम भी अभी तक यूज़ कर रहे हैं ये क्रीम्स। तो ये वो क्रीम है कि ये आप बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ऑल स्किन टाइप है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। ऑयली स्किन वाले ज़रा एहतियात से और कम यूज़ करें, ड्राई स्किन वाले बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ करें। दोस्तों ये एक और क्रीम बॉडी शॉप की क्रीम है, ये और एक ये बॉडी शॉप की क्रीम्स हैं ये दोनों। और ये वाली क्रीम जो है ये ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि इसके अंदर शिया बटर है और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब बटर टाइप और इस तरह की चीज़ें हैं ज़्यादातर। तो ये ड्राई स्किन के लिए, जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उसके लिए बेहतरीन क्रीम है। और ये जो है ये तो हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये इसमें भी बॉडी बटर है, लेकिन ये जो क्रीम है ये आप जो ड्राई स्किन वाले हैं, जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, ये वो भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन क्रीम्स हैं, लेकिन हैं एक्सपेंसिव थोड़ी सी, तो इसलिए ज़्यादा ली नहीं जाती हैं, ज़्यादा बाय नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त क्रीम 21। ये भी ड्राई स्किन के लिए है, बेहतरीन क्रीम है। आपकी स्किन क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई ही हो रही होती है, तो ज़्यादातर क्रीम्स और लोशन वही आते हैं जो ड्राई स्किन को सूट कर रहे होते हैं। सो आपने ये क्रीम भी लेनी और ये अप्लाई करनी, बहुत ही अच्छी क्रीम है, ये पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस में। आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में दिखाऊंगी जो सेंसिटिव स्किन के बारे में, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑयली स्किन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है जी। ऑयली स्किन को भी बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, जाहिर है, लेकिन चिकनाई तो फेस पे आ रही होती है। आपको अपना फेस धो के उस पर भी कोई ना कोई क्रीम यूज़ करनी होती है, क्योंकि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा पिंपल्स और इस तरह के मसले होते हैं, स्कार्स के, और उनकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। ड्राई स्किन वाले तो फिर भी कोई ना कोई क्रीम लगा के अपनी स्किन को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। सो ऑयली स्किन की प्रोडक्ट्स भी आपको यूज़ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑयली स्किन वालों को जी।
ऑयली स्किन वालों को ज़्यादातर एलोवेरा टाइप या टी ट्री टाइप लोशन या क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी स्किन के लिए बेहतरीन होती हैं। वो उनकी स्किन की जो उनके सीबम्स निकल रहे होते हैं, जो उनके ऑयल निकल रहा होता है, उसको बैलेंस करते हैं और उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। सो टी ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें और ज़्यादातर एलोवेरा टाइप या ऑर्गेनिक ब्रांड्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक क्रीम। स्किन टाइप जो आती है वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव स्किन तो बहुत ही ज़्यादा मसला देती है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है उसको ज़रा सा भी कोई क्रीम लगाएं, ऐसी केमिकल टाइप या कोई ऐसी चीज़ लगाएं, तो फ़ौरन आपको कोई ना कोई ख़ारिश, कोई एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, कोई तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सो ऐसे स्किन को क्या करना चाहिए? ऐसी स्किन्स को ज़्यादातर, इनकी स्किन इची ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको ज़्यादातर विटामिन ई, B3 या इस तरह की, मतलब सबको यूज़ करनी चाहिए, विटामिन ई, B3 तो सबके लिए ही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि फेयरनेस प्रोडक्ट्स आ गई और ये केमिकल टाइप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इन हो जाती हैं, ये हर किसी भी सेंसिटिव स्किन को नहीं यूज़ करनी चाहिए। उनको क्या यूज़ करना चाहिए? विटामिन ई, B3 टाइप लोशन, क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि ये है। इसके अलावा और भी बहुत यहाँ का कोई लोकल है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है। बाकायदा मेंशन हुआ है विटामिन ई, लेनोलिन और इस तरह की 4-5 चीज़ें ही डली हुई हैं। और बहुत सब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ड्राई स्किन हो, चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, कैसी भी स्किन हो, ऑल स्किन टाइप हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, कोई भी स्किन हो, आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट लाजमी रखना है, आपको पानी लाजमी पीना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखें। जी, आजकल हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा इन है और हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट है आपकी ऑल स्किन के लिए, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मुझे ज़रूर मेरी वीडियो में बताइएगा कि आपको इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो भी लाऊंगी इस बारे में कि हाइलुरोनिक एसिड किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। और ये सीरम्स होते हैं, इसके अलावा ये स्प्रेज में यूज़ किया जा रहा है, इसके अलावा ये टोनर्स में यूज़ किया जा रहा है, क्रीम्स में यूज़ किया जा रहा है, मास्क में यूज़ किया जा रहा है, मुझे आप बोलें, मैं आपके लिए इसके लिए भी एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगी। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, मुझे अपनी वीडियोज़ पर कमेंट्स का और आप लोगों की राय का और आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों की नई नई इन्फॉर्मेशन देने का इंतज़ार रहता है। सो लिहाजा कनेक्ट रहा करें मेरे साथ, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं और मेरी वीडियोज़ को